हेलो, सत श्री अकाल। मैं थोड़ी नेहा वैद, आज मैं फेस वास्ते लैके आई हाँ एक थोड़े लिए नुस्खा, जिन्हों फेस के उपर छाइया पै गई ने एंड गड्ढे जे पै गए ने, पोर्स पोर्स हो गए ने, जो लगा लो जिन्हों के ओपन पोर्स होंगे ने। मैनू काफ़ी पूछ रहे ने वो कि मैम तुसी ओपन पोर्स लिए कुछ दसो, एंड ओपन पोर्स छाइया एंड लगा लो क्रम्पिंग आन लग गए अपने फेस के उपर, एंड काफ़ी ज़्यादा अपन झुरड़ियाँ वगैरह पै रही ने। मैं अज एक नुस्खा दस रही हूँ। तुसी एक चम्मच रोज़ वाटर लेना जी। एक चम्मच रोज़ वाटर दे विच दो विटामिन ई कैप्सूल पाने हैं जी। विटामिन ई कैप्सूल दे नाल तुसी लेमन जूस पाना है। लेमन जूस जिसनों शूट करता होवे ओहो पावे, ठीक है जी। एक चम्मच लेमन जूस लैके ते एक चम्मच ही एलोवेरा जेल पाना है। इन्हों चंगी तरह मिक्स कर लो। फिर थोड़ा जहा तुसी उहदे विच एक चम्मच या हाफ स्पून ग्लिसरीन पा लो अपने फेस के अकॉर्डिंग। ते ग्लिसरीन पा के पंजे चीज़ां नूं मिक्स कर लो। मिक्स करके तुसी इन्हां नूं नाइट दे विच सोन तो पहला अपने पूरे फेस से अप्लाई करनी आ। पूरे फेस से चंगी तरह अप्लाई करके अपने आईज़ के कोल भी अप्लाई कर सकते हो। इहदा कोई नुकसान नहीं हैगा। जिन्हां नूं ब्लैकनेस हो गई है और गड्ढे पै गए हैं और जिन्हां नूं छाइयां ने और जिन्हां नूं रिंकल्स वगैरह ने और जिन्हां दे ओपन पोर्स ने, ये सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स बिल्कुल डेड कर देंगे। एंड एक फेस दे विच अलग जा निखार आना स्टार्ट हो जाएगा। सो तुसी इहनूं 15 तों 20 दिन रेगूलर नाइट दे विच करना इस नुस्खे नूं। फिर उस तो बाद मैनूं व्हाट्सएप ते तुसी मैसेज करना कि तुहानूं किद्दां दा रिजल्ट मिलिया। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।